तो गाइस यार आप सबका स्वागत है आज की खतरनाक सी वीडियो में। और आप देख सकते हो अभी मैं इस साइकिल को उल्टा चला रहा हूँ। क्या आप में से कोई ऐसे अपनी साइकिल को चला सकता है? चला सकते हो तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि मुझे नहीं लगता कोई भी चला पाएगा। तो गाइस यार मैं साइकिल पर इसलिए घूम रहा क्योंकि अब मैंने एक नया काम शुरू कर लिया है, न्यूज पेपर बांटने का। तो जहाँ पर पहले मैं डस्टबिन साफ करता था उस जॉब से मुझे निकाल दिया है, इसलिए मैंने न्यूज पेपर बांटने का काम शुरू कर दिया है। तो सुबह सुबह हमको जाना होता है और सारे घरों में न्यूज पेपर डालने होते, तो यहाँ पर अभी डाल दिया। चलते चलते इसमें फटाफट से डाल देते हैं। धीरे धीरे मैं एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ। पहले मैं न्यूज़पेपर, अरे वो छत पे चला गया। ऐसा ही होता है, मैं कभी कभी न्यूज़पेपर ऐसे हवा फेंक देता हूँ और वो न्यूज़पेपर देखो अभी छत पे जा चुका है। तो एक और यहाँ पर फेंक देते हैं। न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर ले लो, ये लो आंटी आपका न्यूज़पेपर। तो इन सारे के सारे घरों का फिक्स है, मुझे रोज रोज सुबह आकर यहाँ पर न्यूज़पेपर डालना होता है, जैसे कि इधर भी डालेंगे। तो ऐसे लॉस सैंटोस के सारे घरों पर मैं जाकर न्यूज़पेपर डालता हूँ। आंटी न्यूज़पेपर कैच करो। तो आज का अपना आखिरी न्यूज़पेपर डालना बस बाकी है, जो कि डालने वाला है मल्होत्रा सर के घर पर। और हम आ चुके हैं उनके घर पर, फटाफट से अपना न्यूज़पेपर लेंगे और ये डन। तो आज का अपना काम यहाँ पर हो गया। मल्होत्रा सर का घर यार लास्ट होता है, उसके बाद मेरे सारे न्यूज़पेपर भी खत्म हो जाते हैं और न्यूज़पेपर वाले कस्टमर्स भी। उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ अपने घर पर, सामने अपना घर पहुंचेंगे अपन। और आज मुझे कोई दूसरी जॉब भी ढूंढनी है क्योंकि गाइस मैं सही में बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका हूँ। मुझे अपने घर का रेंट देने के लिए भी बहुत सारी जॉबें करनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर दे जाता हूँ, उसके बाद शाम को मैं बर्गर की दुकान पर बर्गर बनाता हूँ। पर मुझे दिन में भी कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, तभी मैं अपने घर का रेंट भर पाऊंगा और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा पाऊंगा। तो अभी मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तो थोड़ी सी टीवी देख ली जाए, क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में, क्या कोई नई जॉब वॉब आई है, वो हमें टीवी से पता चल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस के सबसे अमीर आदमी शिनचैन नोआरा लड़ने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन। शिनचैन नोआरा बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट, इसलिए वो इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो प्रेसिडेंट बनने के लायक है? क्या वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं? हमें वो नहीं पता, इसलिए आज शाम 4 बजे प्रेसिडेंट के घर पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अगर आप भी वोट करना चाहते हैं तो 4 बजे आ जाइएगा। ब्रेकिंग न्यूज। अरे कैसर ये क्या, शिनचैन तो पहले से इतना ज्यादा अमीर था और अब वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। मतलब ये बना नहीं है पर वो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है। और शिनचैन यार बहुत ही ज्यादा अमीर है तो वो आराम से प्रेसिडेंट बन भी सकता है। जब से शिनचैन अमीर हुआ है उसने मेरे साथ रहना छोड़ दिया है और अब तो वो प्रेसिडेंट बन गया है। अब तो वो पता नहीं क्या क्या करेगा, पूरा लॉस सैंटोस उसके हाथों में आ जाएगा। वो कुछ भी कर सकता है पूरे लॉस सैंटोस के साथ। ये तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे देखने जाना पड़ेगा। 4 बजे प्रेसिडेंट के घर पर ये इलेक्शन होने वाले हैं, मुझे भी देखना पड़ेगा कि कौन बनता है लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं प्रेसिडेंट के घर पर ताकि हम भी इलेक्शंस देख पाए। तो गाइस यार अभी मैं इलेक्शन देने तो जा रहा हूँ, पर अगर आप सभी में से किसी को चाहिए शाउट आउट तो फटाफट से कमेंट कर दो अपना नाम और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो बस आपको ये कमेंट करना है और आपको मिल सकता है खतरनाक सा शाउट आउट अगली वीडियो में। तो फटाफट से कमेंट कर देना और अब चलते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखने। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं प्रेसिडेंट के घर पर और यहाँ पर सही में इलेक्शन चल रहे हैं। यहाँ पर देखो मिलिट्री के टैंक खड़े हैं और ये सारे के सारे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए होते हैं। और अगर शिनचैन प्रेसिडेंट बन गया तो उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक लिमोजिन्स और ये खतरनाक मिलिट्री व्हीकल्स यूज होने वाली है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पर तो बहुत ही लोग हैं, लगता है लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। आप सबका स्वागत है लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में। जैसा कि आपको पता है ये इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंट के लिए। आज हमें पता चलने वाला है कौन होने वाला है हमारा लॉस सैंटोस का नया प्रेसिडेंट। तो हम बुलाते हैं अपने सबसे पहले कैंडिडेट को, शिनचैन नोआरा। तालियां, शिनचैन सर आ गए। हेलो मित्रों, मेरा नाम है शिनचैन नोआरा और मेरी उम्र है बहुत ज्यादा और मैं बनने वाला हूँ लॉस सैंटोस का नया प्रेसिडेंट। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिनचैन, तुम ही प्रेसिडेंट बनोगे। शिनचैन, अरे शांति। शिनचैन सर है हमारे पहले कैंडिडेट प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। हमारे पास और कोई कैंडिडेट ही नहीं है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, मतलब शिनचैन सर के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ है। क्या आप में से कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है प्रेसिडेंट बनने के लिए? अरे कैसर, अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ तो मेरे चांसेस भी हो सकते हैं प्रेसिडेंट बनने के। अगर आप में से कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन में आना चाहता है तो जल्दी आइए, वरना आज शिनचैन सर को
बिना वोटिंग के प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। अरे बना दो कोई दिक्कत नहीं है। लगता है कोई नहीं आना चाहता, हमें शिनचैन सर को प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। कौन है? अरे कौन हो तुम? मैं हूँ फ्रैंकलिन और मैं भी इस लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया, एक और प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंडिडेट। अरे नहीं, ये तो चीटिंग है, इनको यहाँ से भगाओ, इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया था। अरे क्या चीटिंग है, मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है। रुक जाइए, कोई चीटिंग नहीं है। शिनचैन नोआरा और फ्रैंकलिन के बीच में वोटिंग होगी, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बनने वाला है प्रेसिडेंट। एक घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी, तो जब तक आप जो चाहे कर सकते हैं। बाय बाय। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप यहाँ पर कैसे आ गए? आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अरे क्यों नहीं बन सकता, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो? हाँ, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो ये सुनो, लॉस सैंटोस वालों, जो भी मुझे वोट करेगा मैं उनको एक एक BMW दूंगा। क्या BMW हर एक को? मुझे वोट करोगे तो आप सबको $1 million मिलेंगे, एक BMW और साथ में एक खतरनाक सा मेंशन भी। और हम तो शिनचैन को ही वोट करेंगे, शिनचैन प्रेसिडेंट, शिनचैन प्रेसिडेंट। अरे रुको, ये तुम्हारे वोट्स खरीदना चाहता है। तुम अभी इसको प्रेसिडेंट बना दोगे फिर ये कुछ काम नहीं करेगा। अरे तो तुम हमको क्या दोगे? मैं अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं पूरे लॉस सैंटोस को साफ करवा दूंगा, पूरा लॉस सैंटोस का कचरा गायब हो जाएगा। अरे उसके लिए आपको प्रेसिडेंट क्यों बनना है, झाड़ू वाला बनो और पूरा लॉस सैंटोस साफ कर दो। अरे हम तो शिनचैन को ही वोट देंगे, हमको तो पैसे, गाड़ी और घर मिल रहे हैं। अरे तुम सबके साथ मेरी बात सुनो, शिनचैन आप लोगों को खरीद रहा है। हाँ तो हम बिक जाएंगे, दिक्कत है क्या? मुझे भी गाड़ी चाहिए। जिसको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए और घर चाहिए वो मुझे वोट देना, और जिसको ये काला सा गरीब प्रेसिडेंट चाहिए वो इसको वोट दो। शिनचैन जिंदाबाद, शिनचैन जिंदाबाद। अरे थैंक यू, एक घंटे बाद वोटिंग होगी, सबके सब मुझे वोट देना। अरे ये लोग तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे काइजर, मैं इलेक्शन में तो खड़ा हो गया, पर काइजर ये सबके सब शिनचैन की बात सुन रहे, क्योंकि शिनचैन बहुत ही ज्यादा अमीर है और वो इनको बहुत सारी गाड़ी, घर और पैसा दे रहा है, और मेरे पास कुछ नहीं है इनको देने के लिए, इसलिए मुझे वोट नहीं देने वाले। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर शिनचैन प्रेसिडेंट बन गया तो वो पूरे लॉस सैंटोस की हालत खराब कर देगा, और मैं उसके सामने खड़ा हूँ, मतलब उसको मेरे से भी बहुत ही गुस्सा है। अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो वो मेरा घर वर भी तोड़वा सकता है, तो मैं ऐसा नहीं होने देने वाला। मुझे पूरे लॉस सैंटोस को बचाना पड़ेगा। पर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कैसे भी करके प्रेसिडेंट बनना है। अगर गाइज़र आपके पास कुछ आइडिया है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, और अगर आइडिया नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कोई आइडिया आ सकता है, तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। पर एक सेकंड, यहाँ पर ये गुफा कहाँ जा रही है? ये गुफा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। रुक जा, चलते हैं, इस गुफा में ऐसा क्या है? अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गुफा है, मैंने तो कभी नहीं देखी इतनी ज्यादा बड़ी गुफा। ये तो कुछ खतरनाक सी सीक्रेट गुफा लग रही है। ये रास्ता कहाँ जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आवाज कैसे ही? अरे कैसे यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आवाज आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये आवाज कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है लगता है। रुक जाओ, नीचे जाकर देखते हैं क्या चल रहा है इधर। लॉस सैंटोस में इतनी बड़ी गुफा खुदी हुई है और मुझे पता भी नहीं है यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे कैसा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आवाज कहाँ से आ रही है, और मैं ऊपर कहाँ से जाऊँ ये भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, ये सारे के सारे पाइप हिलने कैसे लग गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। एक सेकंड, अरे कैसे मुझे ऐसा कुछ तो दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ओ अंकल, अरे अंकल अंदर क्या कर रहे हो? अरे बच्चे, तुमने मुझे कैसे देख लिया, रुक जाओ। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं रहा। अरे अंकल नीचे अटक गए हो क्या? बच्चे मुझे बचा लो। अरे लगता है अंकल नीचे अटक गए, अंकल को मुझे बचाना पड़ेगा। क्या करूँ, इन पाइपों को हिला के उधर करना पड़ेगा, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अरे पाइपो हिल जाओ, ये लो, इनको हिलाना पड़ेगा कैसे भी करके। रुक जाओ, मेरे पास आइडिया है, इधर हम लगाएंगे स्टिकी बॉम्ब्स, जिससे ये सारे के सारे पाइप्स को हम यहाँ से पूरा हिला देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। अंकल साइड हो जाओ, बम फोड़ने वाला हूँ मैं, चलो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। 3, 2, 1 बूम। और काइजर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है। चलो फटाफट से अंकल के पास चलते हैं, अंकल मैं आ गया। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? आओ बच्चे आओ, आज तक मुझे कोई इधर नहीं ढूंढ पाया,
तुमने मुझे ढूंढ लिया। अरे पर तुम हो कौन? मैं 500 साल से इधर रह रहा हूँ। अरे तुम मुझे क्यों जला रहे हो? मुझे क्यों जला रहे हो? डरो मत बच्चे, ये आग तुम्हें कुछ नहीं करेगी। क्या डरो मत, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये रास्ता कैसे बंद हो गया यहाँ पे? बच्चे, यहाँ पर जो आ गया वो मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकता। अरे अंकल मैंने क्या किया, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बाहर जाना है। रुक जाओ बच्चे, तुम बाहर नहीं जा सकते। 500 साल में मुझे किसी ने पहली बार ढूंढा है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। बोलो ना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अरे एक तो बार बार मुझे जलाओ मत, ठीक है? मैं आपसे मांगता हूँ इच्छा। बताओ बच्चे क्या चाहिए? तो लॉस सैंटोस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और शिनचैन मेरे अपोजिट में खड़ा है। उसके पास बहुत पैसा है, पर मुझे उससे भी ज्यादा पैसा चाहिए। मुझे अनलिमिटेड पैसा चाहिए, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकता हूँ। हाँ, खुद तो 500 साल से इस गड्ढे में रह रहे हो और मुझे अमीर बनाओगे? रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ। ऊन मून झूम कर अंदर, आफ्टर पार्टी करके अंदर, देखो भूत वाला घंटी बजा रहा है। लेफ्ट राइट, ये बन जाए दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मुझे बचाओ। ये क्या हुआ? इधर कहाँ से आ गया मैं? ये कहाँ आ गया मैं? एक सेकंड, मैं तो वापस से बाहर आ गया। क्या मैं सपना देख रहा था क्या? नहीं, सपना तो नहीं था, वो बाबा मुझे सही में मिला था। एक सेकंड, यहाँ पर क्या है? ये तो वही खड्डा है जहाँ से मैं निकला था, पर ये तो पूरा का पूरा बंद हो रखा है और अंदर तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे ये मेरे साथ क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उस बाबा ने बोला था अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, पर कैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अभी भी मैं तो गरीब ही लगा पड़ा हूँ। अरे हमारे इलेक्शन का टाइम हो गया, चलो यहाँ से चलते, इस फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से चलते इलेक्शन की तरफ। अगर मैं लेट हो गया तो मुझे वो लोग प्रेसिडेंट नहीं बनाने वाले। एक सेकंड, ये गाड़ी में जब मैं बैठा था तब इसका कलर ग्रे था और अब इसका कलर कैसे चेंज हो गया? एक सेकंड रुको, टेस्ट करने दो। अरे ये तो गोल्ड है। ये गोल्ड कहाँ से आ गया? ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई है? मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये गाड़ी पक्का पहले सिल्वर की थी। रुक जाओ, इस पे भी टेस्ट करके देखते हैं। ये गाड़ी अभी क्रीम कलर की है, हम इसके अंदर बैठेंगे। ये क्या, ये गाड़ी भी गोल्ड की हो गई? ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे अंदर शक्ति आ गई है क्या? रुक जाओ, मुझे लगा है वो बाबा बिल्कुल असली थे, उनके पास बहुत ही खतरनाक पावर्स थी और उन्होंने मुझे ऐसी पावर दे दी है। मैं किसी चीज को टच कर रहा हूँ तो वो गोल्ड की बन जा रही है। अब कैसर, मैं तो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा इजीली बन सकता हूँ, क्योंकि शिनचैन सबको $1 million, एक घर और गाड़ी दे रहा था, पर अब मैं सभी लोगों को $10 million, एक बड़ा सा मेंशन और एक खतरनाक सी गोल्ड की गाड़ी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा आ चुका है। मैं चीजों को टच कर करके गोल्ड का कन्वर्ट करके उनको बेच के बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। तो कैसर फटाफट से बहुत सारी चीजें गोल्ड की बेचते ताकि हमें बहुत सारा पैसा मिले और फिर हम जाएंगे वापस से इलेक्शंस में, क्योंकि थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होने वाली, तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। चलो फटाफट से चलते हैं और गोल्ड बेचते हैं। अरे वोटिंग तो बस शुरू होने वाली है, मशीनें भी आ चुकी है। मुझे नहीं लगता फ्रैंकलिन भैया आएंगे, वो तो मेरे से डर के भाग गए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? टिडिंग टिडिंग टिंग टिडिंग, कोई गाना नहीं चल रहा इसलिए मैं खुद के लिए गा लेता हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने इलेक्शंस के लिए इस खतरनाक सी लिमोजीन में, वो भी पूरी पूरी गोल्ड की। हेलो, कैसे हो? तुम्हारा अगला प्रेसिडेंट आ चुका है। और शिनचैन, अरे फ्रैंकलिन भैया ये क्या? किसकी गाड़ी चुरा के लेके आए हो? और ये सूट किसका चुरा के लेके आए हो? मैं किसी का सूट चुरा के नहीं लेके आया, ये सूट मेरा है और वो गाड़ी भी मेरी है। तो चुपचाप साइड में खड़ा रहे। लॉस सैंटोस वालों मेरी बात सुनो, मैं बनना चाहता हूँ लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। अरे तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम हमें क्या दोगे? मैं तुम्हें देने वाला हूँ $10 million, एक बड़ा सा मेंशन और एक गोल्ड की सुपर कार। क्या $10 million, एक मेंशन और गोल्ड की सुपर कार, कैसे दोगे? अभी बताता हूँ।
ये देखो मेरे पास है इतना सारा गोल्ड। अरे ये क्या, ये तो बहुत सारा गोल्ड है। हाँ ये बहुत सारा गोल्ड है। आप सभी के सभी लोग ये एक एक क्रेट उठाकर लेके जा सकते हो। इसमें 10 मिलियन डॉलर्स का गोल्ड है। मुझे वोट करो उठा लो क्रेट, मुझे वोट करो उठा लो क्रेट। आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड है, आपको ये मिल सकता है, बस आपको मुझे वोट करना पड़ेगा। अरे विक्की भैया ये कैसे हो सकते है, आपके पास इतना सारा गोल्ड कैसे आया? शिनचैन तूने मुझे बोला था कि मैं इस लॉस सेंटोस की झाड़ू लगाऊंगा, अब देखना मैं तुझे पूरी लॉस सेंटोस की झाड़ू लगवाऊंगा। पर अभी अभी हम वोटिंग करने वाले हैं। लगता है सभी के सभी लोग आ चुके हैं। लॉस सेंटोस वासियों मेरी बात सुनो, वोटिंग शुरू होने वाली है। फ्रैंकलिन और शिनचैन दोनों हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट, आप जाकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठिए और यहाँ पर वोटिंग होगी। जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बनेगा प्रेसिडेंट। अरे पर हमें गाड़ियों में क्यों जाना है? सर वोटिंग का रिजल्ट आएगा, आप ऐसे देख नहीं सकते। अच्छा ठीक है चलो गाइस फटाफट से अपनी गाड़ी में चल के बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। अरे मुझे कैसे भी करके प्रेसिडेंट बनना है, काश सारे के सारे वोट मुझे ही मिले, फ्रैंकलिन भैया को नहीं। चलो वोटिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले वोट देने आओ। अरे मैं तो फ्रैंकलिन को वोट दूंगा, वो तो मुझे बहुत सारा पैसा और गोल्ड देने वाले। ये फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन सर मैंने आपको वोट दे दिया। मुझे लगता है फ्रैंकलिन एक चोर है, वो हमारे साथ धोखा कर सकता है, इसलिए मैं शिनचैन को वोट दूंगा। शिनचैन, मैं सोच रहा हूँ शिनचैन को वोट देने का क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। रुक जाओ, पर फ्रैंकलिन बहुत पैसा देने वाला है, तो फ्रैंकलिन भी अच्छा इंसान है पर शिनचैन थोड़ा ज्यादा अच्छा है। वो एक बिलियनर भी है पर फ्रैंकलिन के पास बहुत सारा सोना है। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी वोट दो। ओके ओके मैं शिनचैन को वोट देता हूँ, शिनचैन। अरे कैसर वहाँ पर क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे ही वोट्स मिलने चाहिए। अगर कैसर अगर आप चाहते हो कि मैं लॉस सेंटोस का प्रेसिडेंट बन जाऊँ तो फटाफट से आप भी वोट कर दो, फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट लिख देना कमेंट में तो मुझे आपका वोट मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं जीत जाऊँ, मैं लॉस सेंटोस का प्रेसिडेंट बन जाऊँ तो शिनचैन प्रेसिडेंट कमेंट कर देना, आपका वोट मुझे मिल जाएगा। A few moments later. आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है, सभी लोगों ने अपने अपने वोट दे दिए और वो टाइम आ चुका है जब वोटिंग का रिजल्ट आएगा। फ्रैंकलिन शिनचैन आ जाओ। आखिरकार वो टाइम आ गया। फ्रैंकलिन शिनचैन वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और तुम दोनों में से कोई एक जना प्रेसिडेंट बन चुका है। मैं बन गया। रुक जाओ अभी बताता हूँ, लॉस सेंटोस के सारे लोगों ने जिसको वोट करके प्रेसिडेंट बनाया है वो अगले 5 साल तक प्रेसिडेंट बन के रहने वाला है और इस पूरे लॉस सेंटोस को वो पूरे लॉस सेंटोस को संभालेगा। तो उसका नाम है जो कि जीता है ये इलेक्शंस, वो है कौन है जल्दी बताओ। फ्रैंकलिन बन चुका है अगला प्रेसिडेंट। क्या मैं प्रेसिडेंट बन गया? तेरी तो शिनचैन, निकल यहाँ से, मैं प्रेसिडेंट बन गया। मैं क्यों गिर गया? फ्रैंकलिन जिंदाबाद। फ्रैंकलिन आज से तुम लॉस सेंटोस के प्रेसिडेंट बनते हो, बधाई हो। अरे थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनो पुलिस वालों, इस शिनचैन को यहाँ से उठाकर फेंक दो। अरे विक्की मैं रुक जाओ, विक्की मैं रुक जाओ, मुझे मत फेंकवाओ। अरे क्यों रुक जाओ, तू तो मुझे हराने वाला था, तुम मुझसे झाड़ू लगवाने वाला था, अब इससे पूरे लॉस सेंटोस का झाड़ू लगवाना, जा शिनचैन। अरे विक्की मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं तो आपका कितना अच्छा दोस्त हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ शिनचैन। अच्छा अब तू मेरा छोटा भाई बन गया, अभी तो तू मेरे से लड़ाई कर रहा था प्रेसिडेंट बनने की। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता। फ्रैंकलिन भैया आप मेरे सबसे अच्छे भैया, फ्रैंकलिन भैया जिंदाबाद, फ्रैंकलिन भैया प्रेसिडेंट, फ्रैंकलिन भैया मुझे अपने साथ रख लो, फ्रैंकलिन भैया मुझे अपने साथ रख लो, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, मैं आपका भाई बन के रहूंगा। भाई बन के नहीं, तू नौकर बन के रहना चाहता है तो तू मेरे साथ, भाई बन के नहीं, अगर तू नौकर बन के रहना चाहता है तो तू मेरे साथ रह सकता है। क्या नौकर बन के? हाँ नौकर बन के, वरना मेरे पास और भी बहुत जने। अच्छा ठीक है मैं आपका नौकर बन जाऊंगा, मुझे अपने साथ रख लो। ठीक है तो शिनचैन मेरे साथ रहने वाला है। लॉस सेंटोस वालों तैयार हो जाओ,
पूरा लॉस सेंटोस चेंज होने वाला है क्योंकि फ्रैंकलिन द प्रेसिडेंट आ चुका है। ये सारा का सारा गोल्ड रख लो और भी बहुत सारा गोल्ड रोज रोज मैं आपके घर पर भिजवा दूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसी शक्ति है, मैं किसी भी चीज को टच करूंगा तो वो बन जाएगी गोल्ड की। और कैसर ये सारी लिमोजिन, ये सारे मिलिट्री टैंक और ये खतरनाक गाड़ियां मेरी हो चुकी है क्योंकि मैं बन चुका हूँ लॉस सेंटोस का नया नया प्रेसिडेंट। अरे फेंकी भी है, अब तो प्रेसिडेंट बन गए, अब आप क्या क्या करोगी? मैं सबसे पहले मैं हॉस्पिटल में सारे के सारे इलाज फ्री करूंगा, फिर मैं पेट्रोल फ्री करूंगा, सबका सब मैं फ्री करने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है तो सबके लिए सब कुछ फ्री कर देंगे। और कैसर अगर आपके पास और कोई सजेशन हो कि हम क्या कर सकते हैं लॉस सेंटोस में जो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना, फिर आपके कमेंट और सजेशन पढ़ के मैं वो सब लॉस सेंटोस में करना शुरू कर दूंगा। तो कैसर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। हम बन चुके हैं लॉस सेंटोस के नए नए प्रेसिडेंट, अब हम पूरे लॉस सेंटोस पर राज करने वाले। तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सबके सब बोलो फ्रैंकलिन जिंदाबाद।